हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा डिजाइन पैटर्न। इसे लेडीज़ कार्डिगन, जैकेट, कोटी, बच्चों के स्वेटर और जो है इसे जेंट्स स्वेटर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा डिजाइन पैटर्न है फ्रेंड्स। तो चलिए डिजाइन पैटर्न बनाते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर आपने फर्स्ट बार विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन की घंटी उसे प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें आप जो है 16 के मल्टीपल यानी 16 प्लस 16 के मल्टीपल ऐसे आप जो है फंदे ले लीजिएगा, प्लस आपको 10 फंदे आपको एक्स्ट्रा लेने हैं। तो यहाँ पर हम 16 के मल्टीपल हमने फंदे लिए हुए हैं, प्लस जो है 10 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं, तो हमारे यहाँ 26 फंदे हैं। ठीक, तो आपको जो है ये डिजाइन पैटर्न जो है 26 रो में बन करके फ्रेंड्स कंप्लीट होगा। तो चलिए डिजाइन पैटर्न आपको बताते हैं। और इसमें देखिए बॉर्डर आप या तो ये वन फंदा सीधा वन फंदा उल्टा का बनाएं, या आप टू फंदा उल्टा टू फंदा सीधा का बनाएं तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा इस डिजाइन में। तो चलिए आज हम आपको ये डिजाइन पैटर्न बताते हैं। तो देखिए हमारी ये पहली सिलाई है डिजाइन पैटर्न की फ्रेंड्स। देखिए फर्स्ट फंदा है, ये साइड का एड स्टिच है, इसको हम ऐसे स्लिप करेंगे। आप चाहें तो बुन सकते हैं, ऑप्शनली है। ये जो उल्टा फंदा ऐसा है ना, इसको ऐसे स्लिप करेंगे और ये सेकंड सीधा फंदा को ऐसे बुनाई करेंगे। देखिए इस तरीके से, ध्यान से देखिए इस तरीके से, फिर धागे को आगे करेंगे, ये उल्टा फंदा हम स्लिप करेंगे और सीधे फंदे को ऐसे हम बुनेंगे। धागे को आगे करेंगे, उल्टा फंदा को स्लिप करेंगे और फिर ऐसे बुनेंगे। जब हम स्लिप करते हैं ना, तो ये उल्टा फंदा के ऊपर ये देखिए वन ये धागा आ जाता है। अब यही आपको रिपीट करना है पूरी रो को। देखिए धागे को आगे करेंगे, इसे स्लिप करेंगे, जब हम बुनाई करेंगे तो इसके ऊपर एक धागा इस फंदे के ऊपर देखिए आ गया। फिर ऐसे बुन लेंगे, धागे को आगे करेंगे, उल्टा फंदा स्लिप करेंगे और सीधा फंदा बुनाई करेंगे। धागे को आगे करेंगे, उल्टा फंदा स्लिप करेंगे, सीधा फंदा को बुनाई करेंगे। इसी तरह आप जो है पूरी रो को फ्रेंड्स कंप्लीट करिए। और ये लास्ट साइड का एड स्टिच है तो इसे भी हम सीधा बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया डिजाइन पैटर्न का। अब देखिए ये सेकंड रो है रॉन्ग साइड। फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, सेम रिपीट पैटर्न आपको करना है जैसे हमने रॉन्ग साइड में किया था। देखिए उल्टा फंदा को स्लिप करेंगे और ये सीधा फंदा है ना, वन लूप और वन फंदा, इन दोनों को एक साथ ऐसे बुन लेंगे। देखिए इस तरीके से, ठीक। फिर देखिए धागे को आगे करेंगे, उल्टा फंदा स्लिप करेंगे और वन लूप है, वन फंदा है, इसे हम ऐसे बुनेंगे। देखिए दोनों को एक साथ ऐसे बुनेंगे और इस फंदे के ऊपर देखिए हमारा आ गया, ठीक ना। देखिए धागे को अपनी साइड करेंगे, वन फंदा स्लिप करेंगे, सीधा फंदा हम बुनाई करेंगे। सेम आपको रो वन की तरह रिपीट करना है। देखिए धागे को आगे करेंगे, उल्टा फंदा स्लिप करेंगे और ये दो फंदों को हम एक साथ ऐसे बुनेंगे। धागे को आगे करेंगे, उल्टा फंदा स्लिप करेंगे, दो का एक कर देंगे ऐसे, लूप और फंदा। देखिए धागे को आगे करेंगे और इसे स्लिप करेंगे और ये दो का एक करेंगे, टू का वन होता जाएगा ऐसे। धागे को आगे वन स्लिप और यहाँ पर दो का एक, धागे को आगे वन स्लिप 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 और दो का एक, धागे को आगे वन स्लिप दो का एक। और ये साइड का एड स्टिच है, इसे हम उल्टा बुन लेते हैं। ये रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गया फ्रेंड। वैसे ये डिजाइन जो है ना शॉल स्टॉल मफलर में, क्योंकि दोनों एक दोनों साइड से एक जैसा दिखता है। तो देखिए टू रो हमने बनाया ना,
ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागे को आगे करेंगे, उल्टा फंदा स्लिप करेंगे, और यहाँ देखिए वन लूप है और वन फंदा है, दोनों को एक साथ ऐसे बुनेंगे, दो का एक करेंगे, ठीक। अब यही आपको रिपीट करना है, देखिए वन स्लिप करेंगे और दो का एक करते हुए हम इस रो को भी, थर्ड रो को भी कंप्लीट करेंगे, थर्ड थर्ड फोर ऐसे फाइव सिक्स सेवन, ऐसे आपको 14 रो तक आपको कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। 14 रो तक हम कंप्लीट करके इसके बाद आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हमने ये जो है 14 रो बुन करके कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से आपको देखिए क्या करना है, आप यहाँ पर ये दोनों साइड से जो सिलाई है ना, जो दोनों साइड से देखिए, इधर से दोनों साइड से बुनने वाली वो जो गला वाली सिलाई होती है उसको आप ले लीजिए, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये फर्स्ट फंदा हम स्लिप कर लेते हैं। स्लिप करने के बाद यहाँ पर देखिए हमें ट्विस्ट करना है फ्रेंड्स, ट्विस्ट करना है। तो पहले हम फोर फंदे देखिए, 1 2 3 4 फंदे हम स्लिप कर लेंगे, ठीक। फोर फंदे स्लिप करने के बाद ये जो हमारा एक गला वाला सिलाई है इसमें हमने ये देखिए फोर फंदे स्लिप कर लिए हैं, देखिए। फिर इसके बाद हम यहाँ पर फोर फंदे बुनाई करेंगे, देखिए हमने वन स्लिप किया था साइड का एड स्टिच, धागे को आगे करेंगे, इसके बाद वन फंदा ये स्लिप करेंगे, देखिए ये जो हमारा वन फंदा है ना, इसे हम स्लिप करेंगे और ये दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, देखिए ऐसे। फिर धागे को आगे करेंगे, वन स्लिप करेंगे और ये टू का वन करेंगे, जो लूप और फंदा है दोनों को एक साथ ऐसे बुन लेंगे। इसके बाद हमें ये चार फंदे देखिए हमने हमारा हो गया। अब जो हमने ये सिलाई पे गला वाली सिलाई पे हमने इसे लिया था, अब इसको हम देखिए बुनाई करेंगे, धागे को आगे करेंगे, ये उल्टा फंदा स्लिप करेंगे और ये दो का एक करेंगे। फिर देखिए धागे को आगे करेंगे, वन ये जो उल्टा फंदा है इसे स्लिप करेंगे और ये दो फंदों का हम एक करेंगे। यहाँ पर हमने देखिए 8 फंदे ट्विस्ट कर लिए हैं, ठीक। अब इसके बाद 8 फंदे हम ऐसे ही बुनेंगे, देखिए धागे को आगे करेंगे और ये फंदा स्लिप करेंगे और यहाँ दो का एक, वन लूप और वन फंदा बुनाई करेंगे, धागे को आगे करेंगे, इसे स्लिप करेंगे और बुनाई करेंगे। तो देखिए हमारे 4 फंदे हो गए, धागे को आगे किया 5, ये बुनाई किया 6, धागे को आगे किया 7 और ये बुनाई किया 8, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए हमें 8 फंदे ट्विस्ट करने हैं, ये वन साइड का एड स्टिच छोड़ के देखिए 1 2 3 4, ये 4 फंदे हमने जो दो मुहा सिलाई हमने लिया है उस पर हम ये स्लिप करेंगे। अब देखिए 1 2 3 4, 4 स्लिप कर लेंगे, इसके बाद धागे को आगे करेंगे और देखिए ये 1 स्लिप करेंगे और ये 2 का 1 करेंगे, फिर देखिए 1 स्लिप करेंगे और देखिए 1 स्लिप किया और ये 2 का 1 करेंगे, और इसके बाद जो है ये साइड का एड स्टिच हम लास्ट में बुनाई करेंगे। पहले हम जो 4 फंदे हमने ये थर्ड सिलाई पे ले रखा है इसे हम बुनाई करेंगे, फिर धागे को आगे लाएंगे, देखिए 1 स्लिप करेंगे और ये 2 का 1 करेंगे, ऐसे धागे को आगे करेंगे, 1 स्लिप करेंगे और ये 2 का 1 करेंगे और 1 ये साइड का एड स्टिच है इसे भी हम सीधा बुनेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा ये देखिए 7 ये जो है 15 रो कंप्लीट हो गया। अब 16 रो को देखिए ध्यान से, सेम आपको उसी तरह बुनाई करना है, देखिए फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे और देखिए इस फंद ये साइड का एड स्टिच है ये साइड, अब हमारा यहाँ से डिजाइन पैटर्न स्टार्ट, 1 स्लिप किया और देखिए 2 का 1 करेंगे, 1 स्लिप किया 2 का 1 करेंगे
देखिए धागे को आगे करके वन स्लिप करेंगे और ये दो का एक करेंगे, धागे को आगे करके वन स्लिप करेंगे और ये दो का एक करेंगे, धागे को आगे करके वन स्लिप करेंगे दो का एक करेंगे, धागे को आगे करके वन स्लिप करेंगे दो का एक करेंगे, धागे को आगे करेंगे वन स्लिप करेंगे दो का एक करेंगे, धागे को आगे करेंगे वन स्लिप करेंगे दो का एक करेंगे, दो धागे को आगे करेंगे वन स्लिप करेंगे ये दो का एक करेंगे, धागे को आगे करेंगे वन स्लिप करेंगे और ये दो का एक करेंगे, धागे को आगे करेंगे वन स्लिप करेंगे और ये दो का एक करेंगे। देखिए लूप और फंदा दोनों एक साथ बुनाई करना है। यहाँ देखिए दो का एक कर देंगे और इस साइड का एड स्टिच है इसे हम उल्टा बुनेंगे। तो फ्रेंड देखिए ये 16 रो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर ट्विस्ट किया हमने, फिर 8 फंदे बुनाई किया, फिर यहाँ पर ट्विस्ट किया, फिर इसी तरह आप जो है इसको आप अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप 1 से लेकर 2 रो जैसे हमने बताया था ये बुनाई करने के लिए ना, अब इसी तरह आप जो है 24 से लेके सॉरी 17 सिलाई से लेके 24 सिलाई तक आपको बुनाई करना है, जैसे हमने बुनाई किया ना ऐसे ही। तो 16 से लेके 17 सिलाइयों से लेके 24 सिलाइयाँ तक आपको ऐसे ही बुन करके फिर इसके बाद हम बताते हैं। तो फ्रेंड देखिए हमने यहाँ पर जो है 24 रो कंप्लीट कर लिया है, ठीक ना। यहाँ पर हमने आपको 16 रो के बाद हमने कहा था कि 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 रो आप जो है इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि कैसे 25 रो को बुनना है। देखिए फर्स्ट फंदे को हम स्लिप करेंगे, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है, धागे को आगे लाएंगे, वन फंदा स्लिप करेंगे, 8 फंदे हमें बुन लेने हैं, 8 फंदे हमें नीटिंग करना है। देखिए वन ये साइड का एड स्टिच है, वन स्लिप किया और ये बुनेंगे। देखिए बुनने का तरीका सेम है, सिर्फ धागे को आगे करना है, इसे स्लिप करना है और बुनना है। देखिए धागे को आगे करेंगे, वन फंदा स्लिप करेंगे और ये 2 का वन करेंगे। देखिए वन साइड का एड स्टिच है, 1 2 3 4 5 6 फंदे हमने बुनाई किया है। अब देखिए ये 7 8 फंदे हमने बुन लिया। अब यहाँ हम 8 फंदे में ट्विस्ट करेंगे। तो जैसे हमने आपको बताया था थर्ड स्लाइस यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, जैसा कि तो फ्रेंड देखिए यहाँ ट्विस्ट करने के लिए हमने थर्ड सिलाई ले लिया है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 फंदे हमने इस पर स्लिप कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पर 4 फंदे इसमें हम बुनाई करेंगे, ठीक ना। देखिए धागे को आगे करेंगे, 1 स्लिप करेंगे और ये 2 जो हमारे फंदे हैं ना 2 का 1 करेंगे ऐसे। फिर देखिए 2 फंदे हो गए, धागे को आगे किया, 1 स्लिप किया और इसे बुनाई किया, तो ये 4 फंदे हमारे हो गए। अब इसके बाद जो हमने 4 फंदे ये हमने थर्ड सिलाई पे हमने जो है स्लिप किया था, देखिए अब इसको हम बुनेंगे। धागे को आगे करेंगे, 1 स्लिप करेंगे, देखिए 1 स्लिप करेंगे और फिर इसके बाद ये 2 फंदों का एक करेंगे। फिर देखिए धागे को आगे करेंगे, 1 स्लिप करेंगे और 2 फंदों का देखिए इस तरीके से 1 करेंगे, देखिए ऐसे। फिर इसके बाद जो हमारे ये 8 फंदे हैं उनको हम देखिए 1 इसे बुनना नहीं था, ये स्लिप करना है, उल्टा फंदा है ये, 2 का 1 करेंगे, धागे को आगे करेंगे, 1 स्लिप करेंगे, 2 का 1 करेंगे, 1 स्लिप करेंगे, 2 का 1 करेंगे, 1 स्लिप करेंगे और यहाँ 2 का 1 करेंगे और इस साइड का एड स्टिच है इसे सीधा बुनेंगे। तो फ्रेंड देखिए 25 रो हो गया। अब देखिए हमने पहले यहाँ ट्विस्ट किया, यहाँ पर हमने 8 फंदे बुना, यहाँ ट्विस्ट किया, अब हमने यहाँ 8 फंदे बुने, यहाँ ट्विस्ट किया, 8 फंदे यहाँ बुने। तो इसी तरीके से जब हम बुनेंगे ना तो ये देखिए 20
सिक्स रो आपको ऐसे कंप्लीट करके बता दे रहे हैं। फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, देखिए ये स्लिप करना है उल्टा फंदा और ये सीधा फंदा ऐसे बुनना है। उल्टा फंदा स्लिप करना है, ऐसे बुनना है टू फंदों के साथ। जब हम ये ऐसे धागे करके स्लिप करते हैं ना, तो देखिए ऑलरेडी इसके ऊपर से एक डबल धागा आ जाता है, तो हमारे टू हो जाते हैं, वन लूप वन फंदा। उन्हें हम ऐसे दो का एक करते हैं। बुनाई में कोई फर्क नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ आपको जो है देखिए हमें ये 26 फंदे बुन लेने हैं। इसके बाद आपको सिर्फ आठ सलाइयाँ ऐसे बुन करके और फिर इसके बाद ऐसे ट्विस्ट कर देना है, ठीक ना। देखिए इसको बुनेंगे और ये टू का वन ऐसे करेंगे, धागे को आगे लाएंगे, इसे ट्विस्ट करेंगे, सॉरी स्लिप करेंगे और टू का वन करेंगे, धागे लाएंगे, इसे स्लिप करेंगे, यहाँ पर टू का वन करेंगे। इसके बाद देखिए वन स्लिप, यहाँ पर वन लूप वन फंदा जो है टू का वन करते हुए ऐसे हम 26 रो को कंप्लीट करेंगे। है तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी सा डिज़ाइन, लेकिन थोड़ा सा ये ट्विस्ट करते वक्त कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप थर्ड सिलाई को ऐसे ले लेंगे तो बड़े ही इजीली बन करके तैयार हो जाता है। फिर देखिए आपको एट सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद यहाँ ट्विस्ट करेंगे, यहाँ बुनेंगे, यहाँ ट्विस्ट करेंगे, ठीक। ऐसे करके जब यहाँ ट्विस्ट, यहाँ जो है एट सिलाइयाँ आप कंप्लीट करेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमें जो है 26 रो हमने आपको बुन करके दिखाया है। 27 से लेकर 34 रो बुनने के बाद आप जो है यहाँ से यहाँ ट्विस्ट करेंगे, यहाँ बुनेंगे, यहाँ ट्विस्ट करेंगे, आठ फंदों में यहाँ ट्विस्ट करेंगे, आठ फंदे यहाँ बुनेंगे, आठ फंदे में यहाँ ट्विस्ट करेंगे, फिर आठ सिलाइयाँ आप बुनेंगे। ऐसे करके 10 रो में आप जो है आपका ये 9 रो में ट्विस्ट होता जाएगा, ठीक। अब आठ सिलाइयाँ आप बुनते जाइए 8 रो, फिर इसके बाद 9th रो में आप जो है ट्विस्ट करेंगे। एक बार यहाँ ट्विस्ट करना है, यहाँ बुनना है, फिर यहाँ ट्विस्ट करना है, फिर जब आप नेक्स्ट 8 रो में आएंगे तो यहाँ बुनना है, यहाँ ट्विस्ट करना है, यहाँ इसी तरह तरीके से आप बुनते जाएंगे फ्रेंड्स, तो पूरी डिजाइन देखिए इस तरह बन करके आएगी। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी डिजाइन है, इसे आप बनाएं। आपको फ्रेंड्स ये डिज़ाइन अच्छी लगी हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक